मयंक का एक मछली गिर गया था इसलिए चार मछली दे दिया है। तो जो दौड़ते हुए गिर गया सुकर है बच्चा को चोट नहीं आया। Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. संडे के एक फैमिली ब्लॉग में, सुरजीत प्रसाद के फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मम्मी वहाँ बैठी हुई है, मयंक और मैं बाइक के ऊपर बैठा हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मार्केट। मार्केट से लेना है थोड़ा मछली और प्लस थोड़ा चिकन। संडे स्पेशल में आप लोग जानते ही है मेरे घर मैक्सिमम चिकन ही बनता है। और सास ससुर आने वाला है। हाँ, मेरा सास ससुर जी आ रहे हैं इसीलिए और जा रहे हैं। चलिए मार्केट से थोड़ा लेके आते हैं चिकन और थोड़ा मछली और बने रहिए हम लोग के साथ। भाटपाड़ा बाजार में आ चुके हैं। मैं हाथ में लिया हुआ है चिकन, जा रहे थोड़ा सा मछली लेंगे। हम लोग मोरोरा माछ भी ले लिया है, मयंक ले लिया है। मयंक का एक मछली गिर गया था इसलिए चार मछली दे दिया है। चलिए अब यहाँ से घर चलते हैं, थोड़ा कचौड़ी लेंगे खाने के लिए घर में। मार्केट से भी आ गए हैं और ये रहा हम लोग का कचौड़ी। मैं भी थोड़ा खा लूंगा, अभी सुबह से मैं सिर्फ चाय और बिस्किट मैंने खाया है बस, और कुछ नहीं है। मम्मी और वाइफ यहाँ पे जोरों से लगे हुए हैं और ये हम लोग का मोरोला माछ अभी इसको भूंजा जा रहा है। आज तो वाइफ का खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि मम्मी पापा आ रहे हैं। क्या मैडम, बच्चा पार्टी सब आ गए हैं। मेरे सास ससुर जी भी आ गए हैं। बाहर में थोड़ा पानी हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा भीग भी है हल्का सा, जस्ट आए हैं और दोनों का तबीयत खराब है इसके बावजूद भी आए हैं। मेरा मझले मामा जो है वो गुजर गए आपका एक हफ्ता होने को आया है। ब्लॉग में आप लोगों को नहीं बताए थे कि अभी मैं बता रहा हूँ, तो इसीलिए सास ससुर जी आए हैं, मामी से जाके थोड़ा भेंट करेंगे। दोपहर का वक्त हो रहा है, अभी सभी खेल कूद में लगे हुए हैं और ये है शान। यस्टरडे का मेरा जो जुबली ब्रिज वाला जो ब्लॉग है मैं जस्ट उसको पोस्ट कर रहा था, तभी मेरे ससुर जी और मेरे सासू माँ और बच्चा पार्टी जितने हैं सब चले गए मेरे मामा घर। मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ तो उस टाइम है कोई शूट नहीं कर पाया। अब इसे मुझे बुलाया गया है, मैं जा रहा हूँ मामी घर, वहाँ पे आप लोग से भेंट करवाता हूँ। चलिए, ये रहे मेरे सास, टोटो से आई है कसलापाड़ा से। सोचिए कसलापाड़ा से यहाँ पे 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वहाँ से टोटो करके आई है। अच्छा बच्चा पार्टी, मेरे दो भगना शिव जी को और सास को बोले है थोड़ा हनुमान मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए के लिए। तो हनुमान मंदिर का दर्शन करने के लिए मेरे ससुर जी और सास और बच्चा पार्टी पूरा आ रहे हैं। शान भाव लगे शान, पहले कभी देखा है लेटा हुआ हनुमान जी? तो जो थोड़ा सा मज़ा भी ले रहा है पार्क का। सास और ससुर को थोड़ा एकदम हाई रोड के सामने तक छोड़ने आए हैं क्योंकि टोटो वाला को ये रास्ता के बारे में जानकारी नहीं है। सामने एकदम आ चुके हैं, जस्ट यहाँ से सामने ही है हाई रोड, चढ़ जाएंगे उसके बाद चले जाएंगे।
अब मैं और वाइफ भी यहाँ से चल रहे हैं जा रहे घर की तरफ। अभी जाएंगे मामी घर। अच्छा आपको मामी घर उतरना है? नहीं आपको भी जाना। अच्छा चलिए मामी घर 5-10 मिनट उधर स्टे करेंगे उसके बाद निकलेंगे। ओके चलिए। मैं अभी पढ़ाई कर रहा है और हम लोग मामी के घर से आ चुके हैं और मम्मी उसके साथ साथ जैसे हम लोग आए संग संग मम्मी भी चली गई मामी के घर। एक्चुअल मम्मी कुछ दिनों से मामी के साथ ही बिता रही है क्योंकि अकेली पड़ गई है, इसीलिए मेरे मम्मी जो है मामी के पास चली जाती है और वहीं पे रात में रहती है, फिर सुबह में फिर आ जाती है। तो आज तो फिलहाल कुछ है नहीं, तो आज का मेरा जो ब्लॉग है फिलहाल हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बोलेगा, बहुत दिन हो गया मैं कुछ नहीं बोला। अब बोलना और सबसे आशीर्वाद मांगो कि तुम पास हो जाओ। तो चलिए फिर मिलेंगे। आशीर्वाद से नहीं ना होगा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। पढ़ाई तो करना ही होगा। क्या कर रहे हो तो मुझे अच्छे से पता है। बहुत बदमाश है एकदम, पढ़ाई के नाम पे खाली नंबर। हम आप सभी को दिखाएंगे नंबर, उसका क्या नंबर आया है आप सभी लोग देखिएगा। जीरो भी आएगा तो तब भी हम दिखाएंगे कि वो जीरो पाया है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तब। सुन रहे तो मिलेगा। ऐसा अवस्था है मैं के पढ़ाई लिखाई का, ऐसा अवस्था चल रहा है। ज्यादा मिलेगा, जीरो से एक मिलेगा। जीरो नहीं मिलेगा तो एक तो जरूरी मिलेगा। नहीं एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं। ओके नंबर तो मिलते रहेंगे। तो चलिए मेरा जो ब्लॉग है आज का मैं यही समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे कभी एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर।